वेलकम दोस्तों, ऑल माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इंजीनियर एस के समेले, योगा गुरु, वर्ल्ड हिप्नोटिज्म सेंटर पन्ना में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत बाजना के पास में ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, पौराणिक स्थल है। इसका नाम है भीमकुंड, और भीमकुंड का जो इतिहास है वो हजारों वर्ष पुराना है। जब महाभारत काल में पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ में जब अज्ञातवास के समय यहाँ पर आए और द्रौपदी को बहुत तेज प्यास लगी थी, ऐसा पुराणों में इसका उल्लेख आता है। और प्यास लगने के कारण एक मत ये भी है कि द्रौपदी बेहोश हो गई, तो उस समय जो सबसे बलिष्ठ गदाधारी जो भीम है, भीम ने, जो आप ये पूरी चट्टान देख रहे हैं, इस चट्टान में जोर से अपनी गदा का प्रहार किया। और उसी समय ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये पूरा गदा के शेप में, उसी आकार में ये जल का एक कुंड जो है एक प्रकट हो गया, और इस पानी से फिर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। इसका पुराणों में एक और उल्लेख भी आता है कि नारद जी ने यहाँ पर आकर के भगवान विष्णु की स्तुति की, तो गंधर्व गायन करके और उन्होंने भगवान स्तुति की, उनकी भगवान विष्णु की, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर प्रतिदिन दूर दूर से लोग आते हैं, और नए वर्ष में या तीज त्योहार के अवसर पर यहाँ पर मेला की तरह भीड़ जो है लग जाती है। और यहाँ का जो जल है वो बहुत ही पवित्र जल है। वास्तव में देखा जाए तो विज्ञान भी फेल है, इसकी वास्तविक गहराई क्या है अभी तक रियलिटी में किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक अनुमानित बोलते हैं लोग, लगभग 80 मीटर माने लगभग 250 फीट के आसपास गहराई का अनुमान बताया जाता है, जो कि नीचे जाकर के इसकी जो तरंगे हैं, जो जल धाराएं हैं, वो समुद्र में मिल जाती हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, जो कि आप लोग कभी भी अगर छतरपुर या एमपी में आए तो ये भीमकुंड नाम का जो स्थान है, जो हमारे पीछे कुंड भरा हुआ है, इसको जरूर यहाँ पर आकर के दर्शन लाभ प्राप्त करें। यहीं ऊपर पहाड़ के ऊपर भीमा देवी का मंदिर भी स्थित है, उनका भी दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। जैसा किसी ने कहा है कि अगर लक्ष्य पाने के लिए कोई तन मन धन तीनों लगाता है, और ये मानिए कि उसके मेहनत के बदौलत उसकी कुंडली के सारे सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं, अपनी जगह बदल देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।